अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फारिया बुखारी, डॉक्टर फैब, पाकिस्तान इस्लाम पॉजिटिव लीग की चेयरपर्सन, आपसे इस वक्त डायरेक्ट लाइव बात कर रही हूँ कराची से। और मेरा आपको पैगाम है, 23 मार्च आ रही है और हमारी आज़ादी का ये पैगाम है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का ये पैगाम है कि खुदा के वास्ते मायूसी से बचें, खुदा के वास्ते ये सोचना बंद कर दें कि ये मुल्क जो है अब बेहतर नहीं हो सकता, खुदा के वास्ते ये सोचना छोड़ दें कि पाकिस्तान जो है वो तबाह हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा या यहाँ के दुश्मन हमारे जो हैं वो हमें नीस्तो नाबूद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और नेक तमन्नाओं के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे चलें और मस्बत सोच रखें और मनफी ख्यालात को झटक दें और कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे जो मनफी ख्यालात को फैलाया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की चूरन मंजन दुकानों को बेचने के लिए, प्लीज़ काइंडली उस सोच से बचें, मेहनत करें, अल्लाह पे नतीजा छोड़ दें, इस मुल्क के लिए काम करें। ये मत सोचें कि ये मुल्क आपको क्या दे सकता है, ये सोचें कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। और उम्मीद रखें अल्लाह से, उम्मीद रखें कि आपको अल्लाह ताला आपकी मेहनत का ज़रूर फल देगा और इस मुल्क को बेहतर करेगा, इस मुल्क के हालात बेहतर करेगा। और रोज़ा जो है, रमज़ान जो है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने भूखा प्यासा रहना है। रोज़ा जो है वो एक सोच है, एक नज़रिया है और एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल लेवल पे इंसान को बेहतरी की तरफ आमादा करता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपकी शख्सियत को मुतासर करता है और आपके ऊपर एक ऐसा ऑरा आ जाता है कि जिसके नतीजे में आप की सोच मस्बत भी होती है, आपके ख्यालात जो हैं वो भी संवरते हैं और आप ना सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए बल्कि अपने आसपास तमाम लोगों की बेहतरी के लिए भी सोचते हैं। मैं जानती हूँ कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके बाद मस्बत सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको इतना बता रही हूँ कि आपकी मनफी सोचों से गज़ा के हालात बदलेंगे नहीं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मस्बत सोच रख के कर सकते हैं, और मस्बत सोच रखना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी रखनी चाहिए। हमारा मज़हब हमें मायूसी से बचाता है, हमारा मज़हब हमें कहता है कि हम मायूसी से बचें और हमेशा मस्बत सोच रखें, और जिसका ईमान अल्लाह पे होता है वो मायूस नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना, अगर आप अल्लाह पे ईमान रख के रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह पे ईमान रख के आप नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह पे ईमान रख के आप कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह पे ईमान रख के आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से अल्लाह पे ईमान रख कर मनफी ख्यालात से बचें और मस्बत सोच और मस्बत रवैया रखें, मेहनत करें, दिल लगा के काम करें इस मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। और जहाँ तक गज़ा का सवाल है, इंशाल्लाह हम सब मुसलमान मिलकर, बल्कि हमारे साथ तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी हैं, ये तो अब ह्यूमैनिटी का मसला है ना, ये सिर्फ इस मुसलमानों का तो मसला नहीं रहा अब गज़ा का, ये तो अब ह्यूमैनिटी का मसला हो गया, इंसानियत का मसला हो गया। तो हमारे साथ ना सिर्फ मुसलमान खड़े हैं बल्कि हमारे साथ बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी खड़े हैं जो कि इंसानियत में यकीन रखते हैं। तो हिम्मत मत हारें, ग्लास आधा खाली है ये मत सोचें, गज़ा के मामले में ग्लास आधा फुल है ये सोचें कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इज़राइल का और सिहूनी ताकतों का, ताहूती ताकतों का जो फैलाया हुआ एक शराब था और एक जो उन्होंने मैट्रिक्स बनाया हुआ था झूठ का, वो सब का सब तबाह हो चुका है। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, लोगों के ऊपर से दजालियों ने जो पट्टी उनकी आंखों पे डाली हुई थी वो उनकी आंखों से उतर चुकी है। यही वजह है कि ना सिर्फ मुसलमान
मुख्तलिफ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में खड़े हैं फ़लस्तीनियों के लिए, बल्कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी खड़े हैं। और ये बहुत बड़ा एक इनकलाब है जो कि आया है इस लेटेस्ट गज़ा के ऊपर होने वाले बर्बरियत और जुल्म के नतीजे में, कि अब दुनिया जो है वो इस इनकलाब के साथ खड़ी है। इनकलाब तो आ चुका है गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, अलकुद्स के लिए, फिर आप क्यों मनफी सोच रहे हैं? हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, फ़लस्तीनी जीत रहे हैं, तो हम भी जीत रहे हैं, हम मुसलमान भी जीत रहे हैं। हमारी जीत हमें नज़र आ रही है, अल्लाह ताला हमें विक्ट्री दे रहा है, शहादतें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अल्लाह ताला जो है विक्ट्री भी दे रहा है। तो मनफी मत सोचें, नेगेटिव मत सोचें। जहाँ तक हमारे हुक्मरानों का सवाल है, सियासतदानों का सवाल है, पार्लियामेंट का सवाल है, हमारे डिसफंक्शनल जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, तो ये भी आपने ही बनाने हैं। पार्लियामेंट भी कल को आपने ही बनानी है, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी आपने ही बनाना है। आपकी मनफी सोच जो है और मुल्क को छोड़कर भागने वाली सोच है, इससे बचें। क्योंकि अगर आप चले गए और इस मुल्क को छोड़ दिया, डिजर्ट कर दिया, तो फिर इस मुल्क को कौन संवारेगा? कल को आपने ही ब्यूरोक्रेट भी बनना है, कल को आपने ही सियासतदान बनना है, कल को आपके बच्चे बनेंगे सियासतदान, इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, इस मुल्क के सर्विसमैन बनेंगे। अगर आप मस्बत सोच छोड़ देंगे, अगर आप मायूसी को अपना लेंगे, अगर आप अपने ईमान के ख़िलाफ़ अल्लाह पे उम्मीद रखना छोड़ देंगे कि अल्लाह ताला हमारे हालात बदलेगा और हमें भी अच्छे दिन दिखाएगा, तो फिर आप बहुत बड़ा जुल्म करेंगे अपने ऊपर और इस मुल्क के ऊपर। और आपका भी शुमार उन्हीं लोगों में होगा कि जो इस मुल्क के साथ बहुत कुछ गलत कर चुके हैं, करप्शन करके, ट्रीज़न करके, गद्दारी करके। इसलिए काइंडली मायूसी को मत अपनाएं। मायूस जो होता है वो फिर वो बंदा ख़त्म हो जाता है। हमारा ईमान ही हमारा सब कुछ है, हमारा सबसे बड़ा असासा जो है वो हमारा ईमान है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी पाकिस्तान ईमान की दौलत से मालोमाल है। और एक बात मैं कहूँगी कि ना सिर्फ आज बल्कि हमेशा के लिए हमें ये अहद करना चाहिए कि हमें अपने किसी मुसलमान भाई या बहन के ऊपर ना हमें कोई हथियार उठाना है, और ना ही हमने उनकी लेग पुलिंग करनी है, और ना ही हमने एक दूसरे का गला काटना है या गिरेबान पकड़ना है। प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, चाहे वो कोई भी दुनिया का मुसलमान मुल्क है, हमने उनके साथ बना कर रखनी है। और उनको यही हमने इसी अमन का और प्यार मोहब्बत का और भाईचारे का ही पैगाम देना है। और अगर उनके अंदर कुछ ऐसी तागूती कुव्वतें हैं जो कि उनको हमारे साथ जंग करने पर मजबूर कर रही हैं और वो उनकी बातें सुन रहे हैं, तो हमें बहुत से तरीके हैं जो कि आप अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सुन्नत को देख लें, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप बहुत तरीके हैं कि जिससे आप बग़ैर जंग को अपनाएं, अपने मुसलमान भाई से आप दोस्ती का रास्ता हमवार कर सकते हैं। अगर आप जंग नहीं चाहते अपने मुसलमान भाई के साथ, तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता उस जंग पर। लेकिन अगर आपका मुसलमान भाई बज़िद है आप इसके साथ जंग करने के लिए, तो आपको फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जंग ना हो, क्योंकि ये जंग होगी तो ये सिर्फ तागूत की कामयाबी है और हमारी नाकामी है। और हमें यही करना है कि हमने तागूत को नाकाम करना है और हमने अपने ईमान के ऊपर चलकर इस्लाम का परचम बुलंद करके हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया को देना है जो कि अमन का पैगाम है, और हमने अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पर चलना है, और हमारी आज़ादी और हमारी खुशी, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारा फ्यूचर इसी में है कि हम मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें और मुनफी ख्यालात से बचें और मस्बत सोच को अपनाएँ और उस पर अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।